हेलो स्टैंडर्ड्स थर्ड वेलकम इन मे लेक्चर टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर चैप्टर नंबर ट्वेल्व कैन वी शेयर इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न हाउ वी कैन मेक स्टेप्स एंड सॉल्व अवर प्रॉब्लम्स सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर सम गर्ल्स आर प्लेइंग अ गेम विथ बोथ देयर हैंड्स मतलब कुछ लड़कियाँ हैं वो अपने दोनों हाथों से कुछ गेम खेल रही है द गर्ल्स हु आर मतलब जो भी लड़कियां गेम खेल रही है उन सब की फिंगर मिलाओ तो सिक्सटी होती है मतलब टोटल गर्ल इक्वल टू फिंगर्स सो हाउ मैनी गर्ल्स आर गेम तो कितनी लड़कियां गेम खेल रही होंगी तो देखो जितनी टोटल फिंगर है उतनी ही लड़कियां गेम खेल रही होगी तो दूसरा स्टेप तो हमें मिल गया कि सिक्सटी फिंगर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क गर्ल्स ये मिल गया अभी आपको पहला स्टेप बनाना है तो आप बोलोगे मैम इसमें इस तो कुछ दिया ही नहीं है हम स्टेप कहाँ से बनाए पहला एक ही है जो आपने यूज कर लिया सिक्सटी फिंगर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क गर्ल्स तो हमें पता है कि एक गर्ल के टोटल टेन फिंगर्स होती है होती है तो हमने पहला दूसरा स्टेप क्या बनाया पहले दूसरा स्टेप हमेशा बना लो जो क्वेश्चन पूछा है सिक्सटी फिंगर्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क गर्ल्स तो अभी फिंगर्स के ऊपर फिंगर लाना है तो हम क्या करेंगे टेन फिंगर्स इक्वल टू वन गर्ल तो ये हो गया हमारा स्टेप अब ये पहला नंबर ये दूसरा नंबर और ये तीसरा नंबर तो पहला नंबर जाएगा नीचे डिवीजन में दूसरा नंबर ऊपर उसके मल्टीप्लिकेशन में तीसरा नंबर तो वन्जा, शिक्ष्टी वन्जा शिक्ष्टी और डिवाइड बाय टेन तो दोनों में टेन टेन कट हो जाएंगे तो छह लड़कियां ये गेम खेल रही होंगी सिक्स गर्ल्स अभी दूसरा लक्ष्मी हैजेंटी सेवन किलोग्राम पोटेटोस टू सेल लक्ष्मी के पास ट्वेंटी सेवन किलोग्राम पोटैटो है जो उसको बेचने हैं थ्री मैन केम एंड बोट इक्वल अमाउंट ऑफ सो ईच मैन बोट डे के जी ऑफ पोटैटोस की उसके पास तीन आदमी आए और तीनों को उसने एक समान पोटैटो दिए हैं तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा इच मतलब वन मैन इक्वल टू डेस किलोग्राम पोटेटो ये हमारा दूसरा स्टेप बनेगा तो चलो लिखते हैं दूसरा स्टेप वन मैन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क किलोग्राम पोटेटोस तो हमारे पास डेटा क्या है के थ्री मेन इक्वल टू ट्वेंटी सेवन किलोग्राम पोटेटो क्योंकि सारे के सारे पोटेटो दे देने हैं तो हम पहला स्टेप लिखेंगे थ्री मेन इक्वल टू ट्वेंटी सेवन किलोग्राम पोटेटोस तो ये हो गया फर्स्ट नंबर ये सेकंड और ये थर्ड तो वापस वो ही का सिंबल फर्स्ट नंबर नीचे सेकंड और थर्ड ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो ट्वेंटी सेवन वन झा ट्वेंटी सेवन डिवाइड बाय थ्री तो ट्वेंटी सेवन डिवाइड बाय थ्री करोगे तो थ्री का टेबल बोलो तो थ्री नाइन ज़ार ट्वेंटी सेवन होता है तो जीरो सेवन माइनस सेवन जीरो टू माइनस टू ज़ीरो तो ये जो आंसर आया वो है आपका आंसर तो हर एक इंसान को किलोग्राम पोटेटोस मिलेंगे ये आपका आंसर चलो अभी यहाँ जाते हैं ये पेज पर जंपी एनिमल्स मतलब यहाँ देखो अलग अलग जानवर है वो जंप कर रहे हैं तो सबसे पहला है फ्रॉग जंप टू स्टेप एट अ टाइम फ्रॉग एक साथ में दो जंप करता है स्क्विरल तन तीन स्टेप तक जाती है मतलब फ्रॉग एक जंप मारेगा तो दो नंबर जाएगा जाएगी तीसरे नंबर पर रेबिट जाएगा पांच नंबर पर हॉर्स जाएगा फिफ्टीन पर और कांगारू जाएगा थर्टी पर ये आपको डिटेल दिए है अभी यहाँ पढ़ना है यूज द पाथ ऑन द नेक्स्ट पेज टू फाइंड आउट कि पिछले पेज पर आपको पूरा रास्ता दिया है तो आपको फाइंड आउट करना है क्या इन हाउ मेनी जम्प विल द फ्रॉग रीच थर्टी के एक जंप में फ्रॉग दो नंबर पर जाता है राइट तो कितने जंप में वो तीस नंबर पर पहुंचेगा तो आप अपना स्टेप बना सकते हो है ना वन जंप इक्वल टू टू स्टेप ऐसे बनाओ वन जंप इक्वल टू टू स्टेप्स तो इसने कितने जंप बोले हैं कि कितने जंप लगेंगे फ्रॉग को तीस स्टेप तक पहुंचने के लिए कितने जंप लगेंगे हाउ मेनी जंप तो उसको हमें उल्टा करना पड़ेगा तो थर्टी मैं दूसरा स्टेप बना रही हूं थर्टी स्टेप्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क जम्प्स देखो मैंने पहला स्टेप बनाया ना तो गलती हो गई तो हम क्या करेंगे तीस स्टेप में वो कितने जंप तीस स्टेप पर पहुंचने के लिए वो कितने जंप लगाएगा ये हमारा क्वेश्चन है तो हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है वन जंप इक्वल टू टू स्टेप तो हम यहाँ वन जंप इक्वल टू टू स्टेप ये नहीं लिख सकते तो हमें क्या लिखना है टू स्टेप इक्वल टू वन जंप तो ये हो गए हमारे अभी ये फर्स्ट नंबर ये सेकंड और ये थर्ड तो फर्स्ट नंबर डिवीजन में टू जाएगा नीचे और ऊपर थर्टी मल्टीप्लाई बाय वन मतलब थर्टी तो थर्टी को डिवाइड करो टू से तो आपको टू टू का टेबल अगर आता है तो वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा वो आपको समझ में नहीं आएगा शायद तो थर्टी डिवाइड बाई टू तो क्या करोगे तो देखो टू वन जा टू 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 झा फोर करोगे तो थ्री से बढ़ जाएगा तो थ्री में से लेस नहीं होगा इसलिए टू वन झा टू थ्री माइनस टू कट किया तो बचा वन अभी वहाँ वन जीरो पड़ा है तो उसको नीचे ले लिया तो टू फाइव जार टेन तो जीरो माइनस जीरो जीरो वन माइनस वन जीरो तो आपका आंसर आया फिफ्टीन क्या आंसर आया फिफ्टीन तो वो जब फिफ्टीन जंप करेगा तब वह थर्टी स्टेप पर पहुंचेगा तो आप इसको ऐसे स्टेप बनाओ एक बार ये स्टेप बना लिया फिर आपको पता चल गया कि कितने स्टेप पर है उसमें से वो हर एक स्टेप कितने का है उसको डिवाइड करो अगर नहीं समझ में आता है तो हर बार ये स्टेप बना लो आसानी रहेगी तो यहाँ पर आंसर आएगा फिफ्टीन फिर इन हाउ मेनी जम्प विल स्क्विरल रीच ट्वेंटी सेवन तो यहां पर स्क्विरल का डाल दो स्क्विरल तीन स्टेप में करती है तो टू की जगह थ्री डाल दो थर्टी की जगह ट्वेंटी सेवन डाल दो तो ट्वेंटी सेवन डिवाइड बाय थ्री कर दो तो आपको पता है थ्री नाइन जा ट्वेंटी सेवन थ्री का टेबल बोलोगे तो तो ये तो आसान हो गया एक बार पता चल गया कि डिवीजन करना है लेकिन कब डिवीजन करना है तो हाउ मैनी जम्प्स जब जम्प ढूंढने हैं तब आपको स्टेप को जंप से डिवाइड करना है वरना नहीं वरना मल्टीप्लीकेशन आएगा वो भी मैं सिखाऊंगी कि कब मल्टीप्लीकेशन आता है नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज देखो यहाँ पर कैसे जम्प करते हैं तो उसको थर्टी पर जाना था फ्रॉग को वो टू टू का जंप लगाता है ऐसा ऐसा लगा के तो उसको कितने जंप लगाने पड़े तो फ्रॉग के जंप आप गिन सकते हो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन हो गए ना फिफ्टीन जंप तो इतना सारा जंप आपको देखना पड़ेगा इतने सारे नंबर लिखने पड़ेंगे इससे बेटर है आप एक स्टेप सीख लो गई बात खत्म चलो नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री विच नंबर विल द कांगारू रिच इन टू जम्प कि भाई कांगारू दो जम्प करेगा तो कौन से नंबर पर पहुँचेगा तो हमें पता है कि पहले हमें दूसरा स्टेप बनाना है तो हमारे पास दूसरा स्टेप क्या है कि टू जम्प इक्वल टू क्वेश्चन मार्क स्टेप तो हमारे हमें पता है कांगारू कितने के जंप लगाता है शायद वो थर्टी थर्टी के जंप लगाता है तो जंप के ऊपर जंप लिखेंगे तो वन जंप इक्वल टू थर्टी स्टेप एक ही जंप पे वो थर्टी पर पहुंच जाएगा यहाँ से लेकर जीरो से लेकर थर्टी पर एक ही जंप में पहुंच जाएगा तो अभी वन नंबर नीचे ऊपर थर्टी मल्टीप्लाई बाय टू तो ये मैं आपको सीधे सिखा हूँ देखो ये वंश की प्लेस है ये भी वंश की प्लेस है तो टू जीरो जार, जीरो और थ्री टू जार सिक्स और नीचे डिवाइड बाय वन है तो इसका कोई मतलब नहीं है आप डिवीजन वन से करोगे ये देखो सिक्सटी डिवाइड बाय वन तो वन सिक्स जार सिक्स जीरो और ये जीरो बचा तो सिक्सटी ही आया मतलब डिवीजन वन से किसी भी चीज़ का डिवीजन वो ही नंबर आता है तो दो जंप में कांगारू सिक्सटी नंबर पर पहुंचेगा तो यहाँ पर मैं ये लेक्चर ख़त्म कर रही हूँ अगले लेक्चर में हम फोर वाला स्टेप करेंगे फोर वाली ब्लैंक टिल देट टाइम गुड बाय एवरी